गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से। तो अभी हम हैं गोवर्धन घाट, जिसमें हम रुके थे। ये वाला है, होटल नहीं है, ऐसे गेस्ट हाउस जैसे होते हैं ना वैसे। तो ये पूरा टूटा हुआ है, पहले उधर वाले रूम में थे कैसा, क्योंकि ना एसी उसी कुछ नहीं था। तो फिर हमने किया उनको एसी वाला रूम चाहिए, बाकी कहते फुल है, इसी में एसी लगे हैं दोनों को। तो यही है हमारा एक छोटा सा रूम, जिसमें एक हमने नीचे बेड गद्दा, तो ये बाथरूम। तो छोटा सा था, इसी में एडजस्ट किया हमने सारों ने। तो एसी लगा हुआ, बस इसी वजह से हम यहाँ पे, एसी की वजह से हम यहाँ पे स्टे किया था, क्योंकि एसी के बिना सोना मुश्किल था। वैसे बारिश भी हो रखी है, बादल वगैरह आ रखे हैं। तो ये देखो रात को भी काफ़ी बारिश हो चलते हैं जी यहाँ से आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है जी, चलो राधे राधे। लोग जाते हैं ना, जैसे मनोकामना लोगों ने की होती है वैसे परिक्रमा कर रहे हैं अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। राधे राधे। तो ये शॉप्स हैं एके व्लॉग। तो अभी ये सारे लोग दिल्ली, यहाँ से 138 बरसाने हैं 1770 और कोसी 35 छाता है 2424। तो अभी हम बस आने जा रहे हैं 17 किलोमीटर यहाँ से। तो आप अगर दिल्ली से आ रहे हो तो आपको 130 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ आने का। तो अब हम सीधा जा रहे हैं। तो अभी पहुँच चुके हैं राधा सिंह के महल, ये एंट्रेंस गेट है। तो अभी आप पीछे देख सकते हो, ये राधा रानी का महल है, यहाँ पे राधा रानी रहते थे। तो मैंने पंडित जी से पूछा है कि अंदर वैसे ही बना हुआ है जैसे है मंदिर, तो महल है जो पुराना, तो वैसे ही बना हुआ है सारा। तो आप देख सकते हो, दिखाता हूँ आपको, ये देखो ऐसे ही एग्जैक्ट पीछे की तरफ ये। अंदर फोटो नहीं है, वीडियोग्राफी तो इसलिए बात है, हर मंदिर में ऐसा ही है, वीडियो वगैरह नहीं अलाउ करते। ठीक है वैसे उनका भी, तो फोटो वगैरह लोग खींच रहेंगे अंदर बैठे, तो इसलिए बाहर से आप फोटोग्राफ वीडियोग्राफ कर सकते हो। तो काफ़ी खूबसूरत है महल, हेरिटेज ऐसे काफ़ी पुराना है, ऐसे बना हुआ है महल था। तो ये मंदिर है, तो आप देख सकते हो ये मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। ग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है यहाँ पे, हर जगह ऐसे हर मंदिर में ही है। तो आप दर्शन करो, बाहर से देख सकते हो। अगर आप मथुरा वृंदावन आ रहे हो तो आप ये वाला बस आने वाला भी कवर कर सकते हो, राधा रानी का। तो आप देख सकते हो पीछे बरसाने, जो पीछे गांव है, तो वो पीछे आप गांव बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है वैसे। तो ये मंदिर भी काफ़ी अच्छा है, तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए बाहर ही आपको वीडियोग्राफी कर रहा हूँ। एक बार आप पीछे भी देखो, खूबसूरत है। ये पूरा बरसाने है, आप इधर भी देखोगे तो ये जो महल, अभी हम हो गए हैं वहाँ से आपको वॉकिंग 500 मीटर पे है, तो आई सीधा सीधा वही रास्ता है। तो गाड़ी वगैरह पार्क वहीं होती है, यहीं से आपको अंदर जाना पड़ेगा, पार्किंग लगा के आए हुए। तो ये मंदिर है, काफ़ी खूबसूरत है, अगर आप आओगे तो मथुरा बिना तो ये भी कवर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बना हुआ। पीछे देखो ये महल किले की तरह, ये बैक साइड है पार्किंग, जहाँ पे गाड़ी वगैरह लगती है यहाँ पे, यहाँ से। तो ये महल आप देख सकते हो जो राधा रानी का था। तो अंदर हो रहे हैं, वहाँ से देख रहे हैं, अब चलते हैं आगे। ठीक है जी,
अच्छा लगा। पार्किंग लगाई थी हमने तो गाड़ी नंबर कुछ नहीं लिखा, बस गेट लिख दिए, जो कि ये राजस्थान सरकार का लिखा, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ बस आना, तो किसी को आइडिया हो तो नीचे से। तो नंद नगरी नंद गाँव आगमन आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम चुके हैं नंदगांव, तो अभी आगे जाएंगे नंदगांव मंदिर, नंद बाबा के मंदिर में। तो दिल्ली यहाँ से 110 किलोमीटर है मंदिर के लिए रास्ता, तो हम गाड़ी पार्क वगैरह लगा देंगे यहाँ पे, फिर चलते हैं आगे। तो ये जी मंदिर जाने का रास्ता, सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर। तो ये जी ऊपर का नज़ारा मंदिर में, तो अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए ऊपर से दिखा रहे हैं आपको कैसा मंदिर दिखता है, कितना खूबसूरत है ऊपर से काफ़ी। तो ये है जी नंदगांव ऊपर से दृश्य कैसे दिखता है नंदगांव, तो ये देखिए एकदम खूबसूरत, और बादल भी हो रखे हैं, मौसम भी काफ़ी खूबसूरत है, हवा बहुत चल रही है तेज। तो चलते हैं फिर आगे, ठीक है जी। काफ़ी खूबसूरत है मंदिर ये भी। मैं हूँ बल्लभगढ़, तो हम वहाँ से आ गए थे नंदगांव से आगे, तो पीछे हमने गाड़ी लगा दी है तो पार्किंग में, क्या नाम उसका, बल्लभ, तो यही पार्किंग करके यहाँ तक ऑटो में करके, क्योंकि गाड़ी हमारी पुरानी है, इतनी दिल्ली गई जा सकती है, एंटर नहीं कर सकती, तो अभी वहाँ से आगे हम जा रहे हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली, क्योंकि थोड़ा काम है वहाँ पे जो था, तो वहीं जाके मेट्रो से यहाँ से बल्लभगढ़ से मेट्रो मिल जाएगी हमें, तो यहीं पकड़ के हम सीधा न्यू दिल्ली चले जाएंगे। तो अभी आ चुके हैं हम कनॉट पैलेस दिल्ली में, तो फ्लैग इतना खूबसूरत लग रहा है, कल इंडिपेंडेंट डे था तो यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ है। अभी बज चुके हैं 11, तो हम पहुँच चुके हैं पलवल, यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी सुबह इवनिंग में, तो यहाँ से हम गए थे दिल्ली, तो वहीं कनॉट पैलेस घूम के बच्चों वगैरह ने शॉपिंग करनी थी, तो वहीं से आ चुके हैं हम। अब हम यहाँ से निकलेंगे अब अमृतसर के लिए, तो अभी टाइम हुआ 11, तो ऑलमोस्ट हमें 10 घंटे लेके चलो लग जाएंगे, यहाँ से अम्बाला जाएंगे पहले, तो फिर अम्बाला से अपना, ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर कहीं। तो वैसे अब तो रात हो गई है, वीडियो भी ऐसे शूट होगी, नींद आ रखी है, तो फिर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है जी, चलो। अभी हम हैं पूरे ढाबे पे, जो कि अमृतसर दिल्ली हाईवे पे है, तो अभी हम पानीपत से थोड़ा पीछे होंगे, अमृतसर में आए तो दिल मिल है बाकी जगह, तो उसी रोड पे है, अभी बजे हैं 3, तो अभी हम आएँगे डिनर, क्योंकि डिनर माने किया नहीं था, वही और पे सर्वे आया था, उसके बाद गाड़ी भी लेट हो गए थे काफ़ी, तो वहाँ से हम चले थे 10-11 बजे, तो यहाँ पहुँचे 3 बजे, तो 4-5 घंटे लग गए हमें, थोड़ा ऑर्डर किया एक बाकी सब्जी वगैरह खत्म हो चुकी है, एक बाकी लोगों ने डोसा ऑर्डर किया, तो वही डोसा खा लिया उन्होंने, बाकियों ने, बाकी हम खाते हैं कुछ और मंगवाते हैं। क्राउड बहुत ज़्यादा है, बर्फ पड़ा है, लग नहीं रहा 3 बजे हुए हैं, ऐसे लग रहा है सुबह के शाम के साथ। ये जी अमरीक रेल ढाबा, तो अभी खाने के लिए रुके थे यहाँ पे, तो इनके पास ऑर्डर किया था डोसा, तो डोसे के बाद मैंने मंगाया पराठा, एक पराठा आ गया, तो उसके बाद मैंने कॉफ़ी मंगाई, पराठा मंगाया, सब्जी मंगाई, ना इनके पास कहते कॉफ़ी वाली मशीन ख़राब हो गई, बाकी और कहते हैं ये आलू भी नहीं ख़त्म है, सब्ज़ी भी ख़त्म, सब्जी ख़त्म है, ये बड़े 3 एम में इतनी दूर से आए, डायरेक्ट खाना ख़त्म हो गया है, ये हाल है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, ये देखो। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, ये तो मशीन ख़राब है, वरना वाइब उसे बोलो नहीं बनेगी, बुरे हाल है, खाने का तो कहीं पर नहीं मिला खाना अच्छा, एक जगह मिला था हमने जहाँ पे
गोवर्धन पे खाया था, जो भी वो भी अमृतसर के थे, नौनी थे निकल आए हमारे, तो वहीं पे खाया था हमने खाना, काफ़ी अच्छा था। क्षेत्र से क्रॉस किया था, तो अभी चाय ब्रेक के लिए रुके हैं। नींद का आलम बहुत बुरा है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, ये चाय पीनी है, पहले भी पी थी कॉफ़ी, तो उससे भी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि काफ़ी थकावट हो रखी है, भाई लोग नींद आ रखी है, साथ वालों को भी कॉफ़ी और चाय वगैरह पी रहे हैं। ड्राइवर हमारा आधे आधे घंटे बाद ब्रेक ले रहा है, तो अभी 113 किलोमीटर हमने सिर्फ 4 घंटे में लगाया, और किया तो अभी भी 200 कुछ समथिंग 50 समथिंग पड़ा हुआ है, तो आई थिंक एक के करीब पहुंचेंगे हम अभी। तो मैं गोल्डन हार्ट बिल्कुल लुधियाना से पीछे है, तो अभी लंच करने वाले हैं, टाइम आई थिंक 11 बज चुके हैं। डिनर ब्रेकफास्ट डिनर मिस ही हो गया, हाँ ब्रंच और लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही होगा सारा आज, तो अभी ब्रेकफास्ट कम्प्लीट किया है, आलू के पराठे और साथ में मक्खन और एक हॉट सी कॉफ़ी, जो काफ़ी टाइम से पीछे भी मिली नहीं, इसलिए अभी यहाँ पे गोल्डन हट में आके बैठे हैं, तो वहीं पे आके ट्राई किए, तो काफ़ी सही है अभी यहाँ पे। तो अभी टाइम है 11:30, तो यहाँ से निकलते हैं, अब खाना वाना हो गया है फिनिश, तो चलते हैं फिर आगे अपने घर की वापसी के लिए। यहाँ से अभी 2.5-3 घंटे लगेंगे घर के लिए, तो 1:30 के करीब घर पहुँचेंगे अभी। बाकी सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, भाई लोग खाना खुना खा के फैल लें, अब चलते हैं फिर आगे। ठीक है जी, जो दिल्ली हाईवे लोग जाना से थोड़ा सा पीछे है, वहीं पर बैठे हैं अभी, तंदूरी मिलते हैं, दूसरे तो मिलते नहीं ऐसे यहाँ पे होटलों में, रेस्टोरेंट में दूसरे ही होते हैं। ठीक था कॉफ़ी मेन सही थी, ट्राई करके अच्छी लगी, बाकी ये नया भी ओपन, ये बार है, ये दूसरा बफे वगैरह है, गाड़ी में